रुको, चलो वहां रखना, उसे हाथ में नहीं पकड़ना है। आइए किस तरह का ट्रेलर रंगबाज़ का लगा, काफी इंटरेस्टिंग ट्रेलर है। बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेलर है, और विनीत जी एंड मी वी गो लॉन्ग बैक गोल्ड के टाइम से, एंड मुझे वो बहुत प्यारे इंसान लगते हैं और बहुत प्यारे एक्टर भी लगते हैं, और बहुत टाइम बाद उनका कुछ मैंने ट्रेलर या कुछ देखा, तो आई एम वेरी किक टू वॉच दिस शो। फॉर मी द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रेलर वॉज हिम, आई मीन इट वॉज, आई कुड ओनली सी विनीत इन द ट्रेलर, एंड द वे ही वॉज जस्ट कैरिंग हिमसेल्फ, एंड द जो रुतबा एक होता है, so the way he was carrying that, I think that was the best part of the film. How was the look of Vinny? Very, very interesting, very, how do I put it, larger than life and zameen se juda hua jo hota hai na, so I think that uska mix bahut superb hai isme. Aane wale samay mein aapki upcoming projects kya hoga, what about the music album, because we all know the people love you in music. Yeah. Tell us something about it. Yeah, I don't know about music videos right now, but I have a couple of films coming up. One is Mili with Janhvi Kapoor and Manoj Pawaskar, and the other is Chor Nikal Ke Bhaga, which is with Yami Gautam. So let's hope for the best. हाली में विकी कौशल और कैटरीना को थ्रेट मिला, उसके बारे में कुछ कहना चाहो? अरे वो कोई, आई थिंक विकी जो भी टैबलॉइड्स में आ रहा है, आई थिंक ही क्लैरिफाइड इट एज वेल, इट्स जस्ट अ स्टॉकर जो होते हैं वैसे थे वो, एंड इट्स बीन टेकन केयर ऑफ, सो देयर इज नथिंग मोर टू इट। दे हैव टेकन द सिक्योरिटी लेवल अप, किस तरह की? नहीं, मतलब इट्स नॉट दैट बिग अ डील के यू नो वो सब करने की जरूरत पड़े, इट्स जस्ट आई थिंक इट वॉज जस्ट अ क्रेजी फैन एंड इट नीडेड टू बी टेकन केयर ऑफ इन अ प्रॉपर लीगल वे, सो आई थिंक दैट्स वॉट हैपन, अदरवाइज इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। फैमिली में किस तरह के बदलाव? कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ इट्स नॉट नथिंग टू बी वरीड अबाउट, सो विच इज या। थैंक यू सो मच। सर पहले तो जानना चाहूँगा किस तरह का ट्रेलर आपको लगा रंगबाज़, क्या कुछ कहना चाहूँगा? बहुत अच्छा ट्रेलर लगा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि विनीत हैं, मेरे बड़े फेवरेट हैं, और यो सचिन जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने सेकंड पार्ट भी मेरे वाला भी जो है वो डायरेक्ट किया था, वो भी, और बाकी सारी टीम को भी बेस्ट विशेस, और बहुत ज़बरदस्त ट्रेलर है, और आई थिंक ये एक ऐसी सीरीज़ है जो पहला पार्ट सेकंड पार्ट लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, एंड और मुझे पूरा यकीन है कि थर्ड पार्ट भी लोगों को बहुत अच्छा विनीत के लुक के बारे में क्या कहना चाहोगे आपको, काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक लग रहा है ट्रेलर में। हाँ, लुक ज़बरदस्त है, विनीत तो वैसे ही घुस जाता है बिल्कुल एकदम कैरेक्टर की नसों में और हड्डियों में और हर जगह, ट्रेलर देख के बहुत मज़ा आया है, और अब सीरीज़ देख के भी बहुत मज़ा आया। आने वाले समय में आपके क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? मेरे भी जैसे जैसे आते रहेंगे ऐसे से ही किसी लॉन्च में आपको मिलते रहेंगे, फिर उनके बारे में बात करेंगे, नहीं तो कोई चैनल फेस कर रहे। थैंक यू। काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं ट्रेलर से, आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह के रिस्पॉन्स आपको?
बहुत अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं और साथ के साथ जब लोग तारीफ करते हैं आपके काम की तो बहुत खुशी होती है. फाइनली वो मोमेंट है जब हम सब साथ में ये शो देख सकते हैं एंड रियली वेरी एक्साइटेड. कोई ऐसा इंटरेस्टिंग पार्ट लगा हो जैसे लाइक आपके किरदार से कुछ आपको काफी अच्छा लगा हो प्ले करने में? मेरे लिए बहुत मज़ेदार बात ये थी कि कोई लीनियर वे नहीं था शूटिंग का, तो मैंने जो ओल्ड एज है वो पहले प्ले किया, फिर यंग एज प्ले किया, फिर वापस से ओल्ड एज प्ले किया. तो मुझे डेंचर्स दिए गए थे पहनने के लिए और बॉडी सूट दिया गया था पहनने के लिए उस पार्ट की तरह करने के लिए. सो जब मैंने वो पहना तो शुरू में बहुत तकलीफ़ें हुई हैं क्योंकि आप कुछ हाले भी हो जाते हैं, बोल नहीं सकते, मुंह बंद नहीं कर सकते हैं, मुंह थोड़ा सा खुला हुआ रहता है एंड जो आपके शब्द होते हैं वो क्लियर नहीं होते. सो आई हैड टू वेयर दोज डेंचर्स एट माय प्लेस फॉर 2 hours, 3 hours एवरी डे बिफोर शूटिंग ताकि मैं वो कंफर्टेबल हो जाऊँ उससे और मेरे शब्द जो हैं वो क्लियर निकले. तो आई थिंक मज़ा आया करके. मनोज जी के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक लग रहा है, ट्रेलर में देखा आपने सब कुछ बोल दिया है, उनका लुक डिफरेंट है, वो डिफरेंट है और बहुत मज़ा आया साथ में काम करके. जब सामने से आपको इतना अच्छे एक्टर्स के संग काम करने का मौका मिलता है तो आप कुछ सीखते ही हैं और अपनी तरफ से और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं. तो इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी विद एवरीबडी. आई थिंक विनीत जी, गीतांजलि मैम, विजय मौर्या सर, राजेश तिरान सर, प्रशांत जी, सोहम, द कास्ट इज़ वेरी नाइस कास्ट एंड अमेजिंग एक्टर्स टू वर्क. मैं यही बोलूँगी कि सीज़न 1 सीज़न 2 को बहुत प्यार मिला है और जितना प्यार उनको दिया है हम उम्मीद कर रहे हैं कि उससे दुगुना चौगुना प्यार आप सीज़न 3 को देंगे. सो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर लव. थैंक यू. हाय, क्या बोलना मुझे? जो बोलने बोलो. मैं तो आपसे जानना चाहूँगा ट्रेलर के बारे में, किस तरह का ट्रेलर लगा मुझे लगता है विनीत जी के बारे में किस तरह का ट्रेलर लगा? सो ट्रेलर तो यार ये रंगबाज तीसरा वाला है और मैंने बाकी के 2 ट्रेलर भी देखे हैं और ये देखकर तो मुझे मज़ा ही आ गया. द फर्स्ट थिंग आई डिड, जितने भी दोस्त थे सबको फ़ोन करके मैंने बताया कि यार ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त है, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई थिंक साहब आ गए हैं और आज साहब के साथ हम ये शो देखेंगे. किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है ट्रेलर के बाद? यार बहुत मज़ा आ रहा है. मतलब जब मुझे उधर यूपी और बिहार वाले दोस्त, मेरे स्पोर्ट्स वाले दोस्त, बॉक्सिंग वाले दोस्त फ़ोन करते हैं ना, बोलते गुरु कुछ बम सा लग रहा है, तो वो जो है ना बहुत ही मतलब लाइक हाँ कहीं बात पहुंची है. और अपने यहाँ इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि प्रकाश झा सर ने जो कॉल किया बिकॉज उन्होंने बिहार के ऊपर कई सारी फिल्में बहुत अच्छी अच्छी बनाई हैं, तो वो था कि हाँ एक लिटमस टेस्ट जो है ना उधर ही लगा कि हाँ हम लोग क्लियर कर गए. क्या ये बिहार के जो पॉलिटिशियन शाहबुद्दीन है उनसे रिलेटेड कुछ स्टोरी है ये बायोपिक नहीं है इस, बट हाँ ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है. अब कुछ ही घंटे बचे हैं, देखिएगा. और लुक के बारे में किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? काफ़ी डिफरेंट लुक लग रहा है, काफ़ी इंटेंस लुक लग रहा है. हाँ मतलब वो डिमांड थी डायरेक्टर और शो रनर नवदीप सिंह, इन लोगों की, इन लोगों ने कुछ सोच रखा था तो मुझे तो करने थप रहा है, एकदम थप रहा है, करने मज़ा आता है. आपका कहना चाहोगे उसके बारे में? मुझे सही में बहुत इंटरेस्टिंग लगा. आई थिंक द मुस्टैच रियली वर्क्स ऑन हिम. आपको ना रखना ही चाहिए द हेयर बैक, जेल्ड बैक हेयर और मुस्टैच, इट्स रियली लुकिंग नाइस. बहुत ही मैनली फील आ रहा है. थैंक यू, रियली रियली स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आ रही है. सो आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. किस तरह के रिस्पॉन्स देख रहे हो? व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू आर लुकिंग फॉर? मैं एकदम बस तबाही मच जाए और कोई लोग देखे, लोगों तक पहुंचे, हम लोगों ने जो करना था कर दिया. एंड आपके कुछ आने वाले समय में किस तरह के नए प्रोजेक्ट देखने मिलेंगे? यार मेरे 3-4 प्रोजेक्ट लाइंड अप हैं, होपफुली अक्टूबर नवंबर से शुरू होगा और होपफुली उसके बाद आप ये सवाल पूछने का मौका नहीं मिलेगा. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. सर 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 विनीत सर, थैंक यू भाई.
भाई यहाँ पे भाई यहाँ हाँ ट्रेलर कैसा लगा भाई? माइंड ब्लोइंग है. Thank you. With that, I will 75 to the audience.